को मिल रही है। तो यह है बाजार का एक्शन आपके स्क्रीन पर। लेकिन चलिए अब आस्था को भी शामिल कर लेते हैं। आस्था जैन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हेम सिक्योरिटी से। आस्था बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे आस्था, कैसा लग रहा है ट्रेंड आपको और आज के लिए लेवल्स क्या देख रही हैं आप? गुड मॉर्निंग। बेसिकली अगर हम मार्केट की ट्रेंड की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे अभी कल एक तेजी आई थी, मेरे हिसाब से ट्रेंड अभी बिल्कुल साइडवेज बना हुआ है। इनफैक्ट परसों मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट भी किया था कि आने वाले कुछ दिनों में 8800 से लेके 9000 के बीच में यहाँ पे निफ्टी मूव कर रहा हुआ नजर आएगा। तो अभी भी मैं अपने स्टैंड पे कंटिन्यू हूँ। ऑल्दो परसों मैंने थोड़ी सी वीकनेस प्रेडिक्ट की थी जो बाय द एंड ऑफ डे वीक ही रहा था, लेकिन कल जिस तरह से बाउंस बैक आया है मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। एक साइडवेज ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा जिसमें निफ्टी जब तक 70 के नीचे नहीं जाता तब तक दिक्कत की बात नहीं है। लॉन्ग पोजिशन होल्डर होल्ड कर सकते हैं 8870 के स्टॉप लॉस के साथ, बट नई पोजिशन की अभी राय नहीं रही। ठीक है, तो ये राय इस वक्त निफ्टी पर नई पोजीशन की राय आपको नहीं दे रही। और सुबह से जो बात की जा रही थी 9000, ये इम्पोर्टेंट लेवल है जिसको कि आपको वॉच करना है निफ्टी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नतीजों पर फोकस करते हैं। और इस पर टाटा पावर के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको नतीजे बता देते हैं, दमदार नतीजे हैं और इसी के चलते देखिए टाटा पावर का शेयर आज तेजी के साथ कारोबार भी कर रहा है। कंपनी का मुनाफा 4 गुना बढ़ा है। हालांकि आय में 8% की गिरावट जरूर देखी गई थी, लेकिन अगर कामकाजी फ्रंट पर भी देखेंगे तो नंबर्स काफी स्ट्रांग है और 17% की बढ़त कंपनी के एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफे में भी देखने को मिली है। इसके अलावा मार्जिन्स भी 18.6% से बढ़कर 23.8% के कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कंपनी के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीईओ और एमडी मिस्टर प्रवीर सिन्हा। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, काफी अच्छे नतीजे इस बार देखने को मिले हैं चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी। क्या वजह थी सर, स्पेशली ऑपरेशनल फ्रंट पर बताइए नंबर्स कैसे थे? थैंक यू पूजा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले ये क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट्स आए हमारे। Q4 क्वार्टर में प्रॉफिट हमारा 477 करोड़ रहा और इसके साथ पिछले क्वार्टर में ये से कम था। तो ये जो क्वार्टर का परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा रहा। इसके साथ हमारा इबिटा भी इस क्वार्टर में काफी अच्छा रहा। ये इबिटा इस क्वार्टर में हमारा 1901 करोड़ जो पिछले साल था उससे 2013 करोड़ पे पहुंच गया, तो करीब 6% इंक्रीज हुआ। और ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है पूरे साल में। हर क्वार्टर में हम लोग ने इबिटा में इंप्रूवमेंट दिखाया है। पूरे साल का इबिटा 8317 करोड़ इस साल है, 15% ज्यादा है पिछले साल के मुताबिक। सो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, हमारे प्लांट सब अच्छे चल रहे हैं, जितने भी हमारे कन्वेंशनल जनरेशन प्लांट्स हैं कोल बेस्ड हाइड्रो, इसी के साथ हमारे जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं उनपे भी बहुत अच्छा अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस रहा है। हमारे सोलर प्लांट्स 99% से ज्यादा कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं और हमारे जो विंड प्लांट्स हैं 95% से ज्यादा उनकी अवेलेबिलिटी। हमारे नेटवर्क्स जो दिल्ली और अजमेर और मुंबई में है ये भी अच्छे काम किए हैं। सो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस टाटा पावर ने डेमोन्स्ट्रेट किया पिछले साल में और उसी के कारण जो आप नतीजे देख रहे हैं वो अच्छे नतीजे। बिल्कुल, ऑपरेशनल फ्रंट पर तो नो डाउट बहुत ही शानदार नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। सर मुंद्रा प्लांट के बारे में बताइए, वहां पर भी प्रदर्शन काफी सुधरा है और उसकी वजह से भी हमने देखा कि कॉस्ट में कमी देखी गई है। क्या उम्मीद करें कि आने वाले समय के लिए भी ये जो इम्प्रूवमेंट दिखी है ये सस्टेनेबल है, बरकरार रहेगी आगे भी? बिल्कुल, और ये आप देखिए कि पिछले साल में हम लोग का अंडर रिकवरी जो करीब 70% था वो काफी कम हो गया है। अब हम लोग करीब 44% पे आ गए हैं और ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हम लोग 3 कारणों के से है। सबसे पहला कारण है कि जो कोल प्राइसेस हैं इंडोनेशिया में वो कम हो गए हैं। दूसरा रीजन है कि हमने काफी ब्लेंडिंग करना शुरू कर दिया। पहले जो 15-20% ब्लेंडिंग करता था करीब 50% हम ब्लेंडिंग करते हैं और इससे क्या होता है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल खरीदने का। स्पेशली कभी कभी स्पॉट में हमें बहुत अच्छे दाम पे कोल मिल जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास आ गया है। और तीसरे रीजन है कि हमने काफी अच्छे सुचारू तरीके से कोल का टाई अप किया हुआ है, तो
हमारे जो कहाँ से सोर्स करना है और कितना क्वांटिटी सोर्स करना है। सो ये तीनों कारणों के से हम हमारे परफॉर्मेंस जो है मुंद्रा में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। इसके अलावा हम लोग ने प्लांट परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है, हीट रेट एंड ऑक्सीडरी। सो ऑल इन ऑल मुंद्रा पे हमारे काफी एफर्ट रहा हमारे कंपनी का और हमारे एम्प्लॉइज ने इस पर काफी सहयोग किया है, जिसके कारण आपको इम्प्रूव परफॉर्मेंस होता है। ओके सर, करंट पीएलएफ कितना था कंपनी का? और एक चीज ये भी समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अब हम क्वार्टर फोर FY21 में एंट्री कर चुके हैं, दो महीने निकल चुके हैं, तो अभी तक डिमांड कैसी रही आपको? क्योंकि हम देख रहे हैं काफी चैलेंजिंग एनवायरमेंट रहा है पावर कंपनियों के लिए भी, तो अभी तक डिमांड कैसी रही और पीएलएफ के बारे में भी बताइए। पीएलएफ हम लोग का करीब 80-85% रहता है, डिफरेंट प्लांट्स का डिपेंडिंग अपॉन किस तरह से शेड्यूलिंग किया जाता है, बट अवेलेबिलिटी इनका सबका अबाउट 90% रहता है, एक्सेप्टिंग कि मुंद्रा में हम 80% ही रखते हैं, बिकॉज यदि हम ज्यादा उसमें जनरेट करेंगे तो हमारा ज्यादा प्रोसेस होगा, बट अदर देन दैट हमारे और जितने प्लांट्स हैं कंसिस्टेंटली 85-90% के कैपेसिटी पे ऑपरेट करते हैं। पिछले दो महीनों में देखा गया कि जब मार्च में लॉकडाउन हुआ तो पावर डिमांड करीब 30-35% कम हो गया, हमारे इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स बंद हो गए, लेकिन पिछले 3 वीक में ये देखा गया है कि डिमांड पिकअप हो रहा है, तो 30-35% कम हो गया था, अब करीब 15% के करीब कमी है और कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड कंपेयर टू बिफोर लॉकडाउन। और जैसे जैसे इंडस्ट्रीज और खुलेंगे एंड फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करने लगेंगे, लोग उम्मीद करते हैं कि 1-2 महीने में ये वापस स्टेबिलाईज हो जाएगा एंड डिमांड विल पिकअप। ओके सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था, लॉकडाउन क्योंकि अब काफी ईज होने की बात की जा रही है, काफी ज्यादा राहत यहाँ पर दी जा रही है सरकार की तरफ से, और अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बड़ा पैकेज भी सरकार ने अनाउंस किया था, उसमें पावर कंपनियां भी शामिल थी, तो ये पूरे माहौल को देखते हुए आने वाले समय में आप रिवाइवल की कब तक उम्मीद कर रहे हैं? रिवाइवल तो 2-3 महीने में होना चाहिए, बिकॉज दो अच्छे पैकेजेस सरकार ने पिछले वीक अनाउंस किया। पहला था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को करीब 90,000 करोड़ दिया जाएगा ताकि वो अपने जनरेटिंग कंपनीज और ट्रांसपोर्ट को पे कर पाए, और ये पीएफसी एनआरईसी के थ्रू पेमेंट होगा। सो ये उम्मीद करते हैं कि अगले 1-2 वीक में एक बार डॉक्यूमेंटेशन हो जाए स्टेट डिस्कॉम्स के साथ, तो ये डिस्बर्समेंट हो जाएगा एंड इससे लिक्विडिटी बढ़ जाएगा सेक्टर में। दूसरा रीजन है कि अपने एमएसएमईज के लिए सरकार ने बड़े सारे इनिशिएटिव्स लिए, स्पेशली उनको एडिशनल लोन दिया जा सकता है वर्किंग कैपिटल के लिए बिना कोई कोलैटरल के या गारंटी के, ये उनको मदद करेगा इमीडिएट कैश देने के लिए, और जिससे कि वो अपने फैक्ट्रीज को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर से फुल कैपेसिटी को ला सकते हैं। तो ये अच्छे कदम थे सरकार की तरफ से। इसके साथ सरकार ने बहुत अहम कदम अनाउंस किया है स्पेशली पावर सेक्टर के लिए कि जो टैरिफ पॉलिसी है उसको रिवाइज कर रहे हैं और उसमें स्ट्रिंजेंट कंडीशंस ला रहे हैं कि एग्जिस्टिंग डिस्कॉम्स को इंप्रूव करना होगा। उसका इंपैक्ट ये होगा कि डिस्कॉम्स विल मूव टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन या सम सर्विसेज जो उनके हैं, चाहे वो नेटवर्क मेंटेनेंस के हों या बिलिंग एंड कलेक्शन के हों, वो शायद वो आउटसोर्स कर रहे हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमारे जैसे कंपनी काम करने के साथ। इसके साथ साथ सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि यूनियन टेरिटरीज जो है वहां पे प्राइवेटाइज किया जाए डिस्ट्रीब्यूशन, तो चाहे ये J&K हो, लद्दाख हो, चंडीगढ़, पुडुचेरी, बड़े सारे ड्यूटीज हैं जहाँ पे एक अच्छा मौका है प्राइवेट कंपनीज को आके अपना एफिशिएंसी दिखाने का और इम्प्रूवमेंट करने का नेटवर्क में, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ सर्विस। सो ये अच्छा पहल है सरकार की तरफ से और उम्मीद करते हैं कि एक बार ये यूटीज में इंप्लीमेंट अच्छी तरीके से हो गया तो और भी स्टेट्स इससे इंफ्लुएंस होके वो भी प्राइवेटाइजेशन करेंगे। सो आई थिंक ये गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था और टाटा पावर की तरफ से हम काफी कीन है कि इस इनिशिएटिव पे हम काम करें।
ओके ऑल राइट सर, दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और नतीजों पर डिटेल में बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स एज वेल। तो ये थे कंपनी के मैनेजमेंट सबसे पहले जी बिजनेस पर अपनी राय देते हुए। और देखिए स्टॉक भी इस पर 4% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। स्टॉक में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद एक और मैनेजमेंट से हम बात करेंगे। रजनीगंधा वायर्स एंड केबल्स,